दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देवा बीच भेंटवार्ता। भेंटवार्ता के क्रम में संवैधानिक परिषद के खाली पद संबंध में केंद्रित। कोरोना जोखिम के कारण इस वर्ष के विवाह पंचमी प्रभावित, सीमित भक्तजन की उपस्थिति में मात्र मनाओ जात विवाह पंचमी। कोरोना महामारी के बाद सुदूर पश्चिम में मानवाधिकार उल्लंघन की घटना में वृद्धि। न्यूनीकरण के लिए नियम सभक प्रभावकारी कार्यान्वयन कर पड़वाक में अधिकार कर्मी सभक जोर। अफगानिस्तानक फरिया प्रांत में 8 गोटे तालिबानी लड़ाकू मृत्यु। सरकार और तालिबान बीच कतार में वार्ता भेला बाद हिंसा नहीं रुकल। आ वेस्ट हैम द्वारा लीड्स यूनाइटेड 2-1 से हारल। 12 खेल से 20 अंक छोड़ने वेस्ट हैम 5वें स्थान में। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देवा बीच भेटवार्ता भेलै छ। शुक्र दिन प्रधानमंत्री के निवास बालुवाटार में प्रधानमंत्री ओली और नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देवा बीच भेटवार्ता भेलै छ। भेटवार्ता में रवि दिन होवला संवैधानिक परिषद विस्तार के विषय में केन्द्रित रहल बताओल जा रहा छ। प्रधानमंत्री निजी सचिवालय के प्रधानमंत्री के निजी सचिवालय इस जानकारी देने अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग लगायत के विभिन्न संवैधानिक निकाय के करीब 4 दर्जन से बेसी पद खाली रहे। संवैधानिक परिषद के बैसार से पहले प्रधानमंत्री ओली और देवाबीच खाली पद होब सकवाक नियुक्ति के विषय में विचार विमर्श भेल छल। तहिना क संसद के राज्य व्यवस्था समिति के बैसार में एआईजी नियुक्ति संबंध में उठल विषय में सेहो विचार विमर्श भेल छल। भारत नेपाल संयुक्त ऊर्जा सचिव सभक संचालक समिति के 8 बैसार शुक्र दिन संपन्न भेलै छ। बैसार में भारत सरकार के ऊर्जा सचिव श्री संजीव नंदन सहायक के संग में नेपालक लेल भारत के राजदूत श्री विनय मोहन क्वात्र तथा विभिन्न मंत्रालय तथा भारतीय राजदूतावास के NHPC लिमिटेड, NTPC लिमिटेड लगायत के भारत सरकार अंतर्गत सार्वजनिक निकाय के अधिकारी सहित के 17 सदस्यीय टोली के सहभागिता रहल छल। बैसार में नेपाली ऊर्जा उत्पादक के भारतीय बाजार में पहुँच विस्तार करके तर्जुमा भेल उपयुक्त नियमावली तथा निर्देशिका, एनर्जी बैंकिंग के विकास, अंतर्देशीय प्रसारण लाइन के विकास बारे विचार विमर्श होबक के संगे SJVN लिमिटेड द्वारा प्रवर्धित 900 मेगावाट क्षमता की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के प्रगति के समीक्षा का उक्त परियोजना के कार्यान्वयन द्रुत रूप में आगू बढ़ेबाक सहमति भेल छल। तेना कऽ दक्षिण एशिया के पहल 400 KV क्षमता के अंतर्देशीय मुजफ्फरपुर ढल्केबर विद्युत प्रसारण लाइन के निर्माण सम्पन्न भेल अछि। 400 KV क्षमता के गोरखपुर बुटवल प्रसारण लाइन के वित्तीय मोडालिटी बारे सेहो सहमति भ चुकल अछि। आब जल्दी एहि परियोजना के निर्माण शुरू होयबाक सहमति भेल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण आई राजधानी के नया बानेश्वर क्षेत्र के विभिन्न स्थान में विद्युत कटौती करवाक भेल। राजधानी के बानेश्वर स्टेशन के 11 KV प्रसारण बसबार में आवश्यक पड़वला मरम्मत संभार में आवश्यक समय लगला के कारण शनि दिन 12 बजे से लगकर 2 बजे धरि विद्युत कटौती करय लागल। प्राधिकरण के सूचना अधिकारी लीला कुमारी आर्याल जानकारी देने छथि। वह सब स्टेशन से विस्तारित धोबीखोला, बागमती, कोटेश्वर, बानेश्वर, पुरानो एयरपोर्ट, लुभ लगायत के स्थान में विद्युत कटौती होगा प्राधिकरण जानकारी देने। प्राधिकरण विद्युत कटौती रहित समय असुविधा प्रति उपभोक्ता सह क्षमा सेहो मंगने, निर्धारित कार्य सम्पन्न पहिने समापन खंड में विद्युत प्रवाह समेत होब सकबाक जानकारी देने। उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरियल कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप लेवाक प्रक्रिया में भरल प्रगति या पहल के विषय में चाँख व्यक्त करने। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में COVID-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र CMC निर्देशक समिति के शुक्र दिन सम्पन्न बैसार में उप प्रधानमंत्री पोखरियल कोरोना के खोप लाभ और भंडारण में रहल समस्या बारे चाँख रखने। उप प्रधानमंत्री पोखरियल समय में निःशुल्क खोप उपलब्ध कराबे के बारे में MCC आबद्ध मंत्रालय संग विचार विमर्श भेल जानकारी देने। बैसार से COVID-19 नियंत्रण तथा रोकथाम के लिए भ रहा संबंधित काज आ कोविड कोर्स के खर्च विवरण नागरिक के जानकारी करवाक उन्होंने समेत कहने। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु में स्वास्थ्य सेवा केंद्र स्थापना करवाक ओ के लिए आवश्यक चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी करार सीमा में नियुक्ति कर बारे से विचार विमर्श भेल छल। बैसार में गृहमंत्री रामबहादुर थापा, अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल, परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री हृदय त्रिपाठी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त काल, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई के सहभागिता रहल छल। कोरोना वायरस के कहर के बीच विभिन्न धार्मिक गतिविधि सब होब नहीं सकल। जानकी मंदिर में एहि बेर विवाह पंचमी सेहो प्रभावित होबाक भेल। प्रत्येक वर्ष विवाह पंचमी के 2 सप्ताह पहिने से चहल पहल शुरू होइत छल, मुदा एहि वर्ष विवाह पंचमी आब 1 सप्ताह बाकी रहला बादो
कोनो रौनक नै देखल गेलै छ। एहि बेर विवाह पञ्चमी पुष चार गते शनि दिन पड़ल छ। वर्षोसँग चलैत आएल परम्पराके वर्ष सीमित रूपमे मनाओल जेबाक जानकी मन्दिरके महन्त रामतपेश्वर दास वैष्णव जानकारी देने छथि। यसपालि महामारीको कारणले हाम्रो बोर्डर चाहिँ बन्द छ। अयोध्याबाट आउने जयन्ती जुन थियो त्यसको कार्यक्रम यसपालि छैन। अब यही हामी राम मन्दिरबाट जयन्ती आउँछ, जानकी मन्दिरले रिसिभ गर्छ र सूक्ष्म रूपमा मनाउने चाहिँ एउटा सामाजिक रूपमा र प्रशासनिक रूपमा निर्णय भएको छ। विधि सबै हुन्छ। भगवान राम र सीताको विवाह भएले स्मरणमै प्रत्येक वर्ष विवाह पञ्चमी मनाउँ जाँदैछ। जनकपुर धाम स्थित जानकी मन्दिरमै यी पावन उत्सवकै रूपमै मनाबके सुरु कएल गेल छ। विवाह पञ्चमीको दिन भगवान रामकै जन्मस्थल अयोध्यासँग प्रत्येक वर्ष जनकपुर आवला बराती एहि वर्ष नै आएत। नेपाली कङ्ग्रेस काठमाडौँ अगहन 29 गते राजधानीकै 5 स्थानमै जुलुस निकलबाक भएलै छ। शुक्र दिन बैसल काठमाडौँ जिल्ला समितिको बैसार छ। जुलुसकै रुट तय गर्ने छ। पार्टीको निर्देशनअनुसार सर्वसत्तावादी सरकारकै विरुद्धमै काठमाडौँमै वृहत विरोध प्रदर्शन गर्वाक हुने भएल कङ्ग्रेसकी काठमाडौँ सभापति सपुज बनिया जानकारी दिनेछ। ब्रुकुटी मण्डप पुतली सडक चौक लैनचौर बसन्तपुरा सहित गेटसँग निकलवला जुलुस शान्तिपाटीका रतन पार्क पहुँचक दुपहर 1 बजे कोन सभामै पर्ने थेवाक बनिया जानकारी दिनेछ। जिल्ला समिति 10 वटै क्षेत्रीय समिति या नगर समिति भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था सबकी विरोध प्रदर्शनमै उपस्थिति हुन निर्देशन देने छ। नेपाली कङ्ग्रेस अगहन 29 गते 77 जिल्लामै सरकार विरोध प्रदर्शन गर्वाक भएलै छ। इम्हर काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कोरोना संक्रमणकै जोखिम बढैत गेल गहित सभा जुलुस तथा भिडभाड होबकवला कार्यक्रम नै गर एहिसँ पहिने सूचना जारी कऽ चुकलै छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भेल अनियमितताबारे विचार विमर्श गर्नका लागि सार्वजनिक लेखा समिति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालके बजेबाक भएलै छ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मन्त्रालय माथातको निकाय नेपाली सेना मार्फत स्वास्थ्य सामग्री लैलासँग भएल अनियमितताको विषयमै समिति मन्त्री ढकालसँग विचार विमर्श गर्वाक भएलै छ। आवला विचारमै स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य मन्त्री ढकालके बजेबाक तयारी भरल समितिकी सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डे जानकारी दिने छथि। अब स्वास्थ्य सामग्रीसँग सम्बन्धित कुरालाई लिएर अघिल्ला बैठकहरूले चाहिँ अन्तिम बैठकको रूपमा मान्य सदस्यज्यूहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूलाई आमन्त्रण गर्ने गरी निर्णय भएको थियो। त्यसैले अब आउने बैठकमा मान्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूलाई आमन्त्रण गरेर हामी छलफल गर्ने क्रममा चाहिँ अहिले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। तैना लम्बा समय धेर समितिको बैसार नै बुझ्न सक्लास उजुरीकै संख्या सेहो बढल सचिव पाण्डे बताउनेछ। विशेष गरेर सार्वजनिक खरिद एनके कार्यान्वयन गरौला सिलसिलामा भेल अनियमितताकै बाद सबकै लख उजुरी बढल हुनकर कहब छन्। सार्वजनिक लेखा समितिलाई विश्वास गरेर उहाँले निवेदन दिने गर्नुहुन्छ। यसरी निवेदन दिने क्रममा विशेष गरी सार्वजनिक लेखा समितिमा अहिले हामी कहाँ 12-13 वटा उजुरीहरू चाहिँ अहिले छानबिनकै क्रममा रहेको छ र यसमा विशेष त सार्वजनिक खरिद ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा भएका अनियमितताका कुराहरूलाई लिएर यी कुराहरू अगाडि आएका छन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्बन्धमै उपसमिति अध्ययन गर्ने विषयमै समेत आवला बैसारमै विचार विमर्श गरेको तयारी कएल गेल पाण्डे बताउने छथि। प्रतिनिधि सभाकी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ समिति दिने निर्देशन सरकारकै पालनै गर प्रभाव बताउने छ। समिति दिने निर्देशन विपरीत सरकार प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी विश्वराज पोखरेलकै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीमा बढुवाकला बाद समिति सभापति एहन बताउने छ। सभापति श्रेष्ठ जनताप्रति उत्तरदायी होब सोहो सरकार समितिकी निर्देशन सबकै पालना गरी प्रभाव बताउने छ। समिति निर्देशन देला बाद सरकार अपन कहब राख प्रभाव भेल समितिमा राखिक स्पष्ट क कार्यान्वयनमा जाय प्रभाव हुनकर कहब छन्। समितिप्रति उत्तरदायी हुनु भनेको जनताप्रति उत्तरदायी हुनु हो। समितिले दिएका निर्देशनहरू छन्, त्यो निर्देशनहरूको पालना गर्ने, यदि त्यो निर्देशन दिएका निर्देशनहरूमा केही आफ्ना चाहिँ भनाइहरू भएदेखि समितिसँग बसेर आफ्ना भनाइहरू राखेर स्पष्ट पार्ने, दुवै स्पष्ट हुने। पूर्व सचिव मुकुन्द्र शर्मा कोनो भी समिति दिने निर्देशन सब सरकार पालना कैने नै कैने सम्बन्धमै समिति अपने मूल्याङ्कन गर प्रभाव बताउने छ। सरकार कोनो भी निर्देशन सब कार्यान्वयन नै कलक त समितिकै सभापति सब विभिन्न मिडियामै बात उठेबाक मुदा नियमावली दिने प्रावधान अनुसार कार्यप्रगति मूल्याङ्कन गरेर संसदमै विचार विमर्श गराव नै सक्ला छ। समितिकै निर्देशन सबकै सरकार व्यवस्था कने सेहो बताउने छ।
सरकारलाई दिएका निर्देश निर्देशनहरू कार्यान्वयन गरेन भने सदन समक्ष लगाएर सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बन्धित मन्त्री सम्बन्धित प्रधानमन्त्री कोषको कुरा हो त्यसलाई सदनमा छलफल गराउन सक्नुपर्छ र गर्नुपर्छ। त्यो कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयनमा नजाँदाखेरि किन गएन भन्ने कुराको जानकारी लिनको लागि कार्य प्रगति मूल्याङ्कन गर्नुको लागि पनि समितिको बैठक निरन्तर रूपमा त्यो विषयमा बसेर एउटा निकोलमा पुग्नुपर्छ। समिति प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी के दरबन्दी थप गर्वाक मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नै गर वितल बुध दिन निर्देशन दिन छल गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशन दिने भेला बादौ सरकार बृहस्पति नै महान प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी विश्वराज पोखरेलकै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीमै बढुवा गर्नेछ छ। कोरोना भाइरस महामारीकै समय सुदूरपश्चिम प्रदेशमै आत्महत्या हत्या हिंसाकै घटना सबमै बढोत्तरी आएको छ। मानव अधिकार सम्बन्धी एन नेम्सबकै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर सकल त एहन घटना सबकै न्यूनीकरण होब सकबाक अधिकार कर्मी सबक कहब रहेछ। कोरोना भाइरसकै महामारी बाद मानव अधिकार उल्लङ्घनकै घटना बढ्दै छ। बितल वर्षकै चैत महिनामै लकडाउन सुरु भेल इम्हर कार्तिक महिना धरि सुदूरपश्चिमी 276 गोटे आत्महत्याका नेस्त 160 बलात्कारकै घटना भएलै छ। तहिना 58 बलात्कारकै प्रयास 16 लैङ्गिक हिंसा सबसे बेसी 525 घरेलु हिंसाकै घटना सार्वजनिक भएलै छ। 160 बलात्कारका घटना मात्रै भएछन् यो कोभिडकै यो बेलामा, यो पनि हाम्रो सुदूरपश्चिममा। र त्यस्तै आत्महत्यामा पनि महिलाको सङ्ख्या बढी छ। र यी तथ्याङ्कले पनि के देखाएको छ भने यो अवधिमा घरेलु हिंसा र महिलामाथि हुने अन्य लैङ्गिक हिंसाहरू बढेको छ। लकडाउनकै अवधिमै आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार समेत हनन भेल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जानकारी दिनेछ। कोरोना रोजगारी अवसर गुम्लास खाइलेल आ बाँचलेल अधिकार समेत छिनालेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था भन्दाखेरि खास गरी चाहिँ आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको उपभोगको अवस्था अलिक कमजोरै देखिएको छ। यसमा पनि स्वास्थ्यको अधिकार र रोजगारीका विषयहरूमा अलिक समस्या देखिएको छ। सरकारवाला बीच समन्वय नै भेलाकै कारण सेहो मानव अधिकार हननकै घटना बढल अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक सुदूरपश्चिमकै कहबै छ। हामी सबैको साझा एउटा जाने समन्वय हो भने हामी प्रहरीको अनुसन्धानलाई अथवा न्यायिक अनुसन्धानलाई हामी सहयोग गर्छौँ। त्यसरी सहयोगबाट बनेको डकुमेन्टले चाहिँ पीडितले न्याय पाउँछ छिटो। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट संविधान सब समस्या विभेद अन्तकको मानव अधिकारकै प्राथमिकतामा राख्ला सबैकै कार्यान्वयन गर सरकारसँगै सामाजिक अभियन्ता समेत दायित्व भेल बताउनेछ। मानव अधिकारकै सम्मान संरक्षण सम्वर्धन एवं कार्यान्वयनकै सुनिश्चित गर सबकै योगदान आवश्यक रहल कहित भट्ट संविधानमा उल्लेख भेल अनुसार विधिकै शासन कायम गर सकल त मानव अधिकारकै सम्मान हेबाक बताउनेछ। सम्पन्न एउटा व्यक्तिलाई तब हामी मानव अधिकारको रूपबाट गर्न सक्छौँ जब हामीले धेरै कुराहरूलाई सोचेर सम्झेर र हामीले आफ्नो कर्तव्यको जब पालना गर्छौँ। कोरोनाकै कारण 22.5% कर्मचारी आ कामदार सुदूरपश्चिममै रोजगारी गुमाउनेछ। खाद्य असुरक्षा 15% छ बढिकर 23% पहुँचलैछ। महामारीकै कारण बाल विकास शुल्क 12 कक्षा धरिकै 798,925 विद्यार्थी समेत पठन पाठन अधिकार सब वञ्चित भेल तथ्याङ्क सब देखाउँदैछ। कोरोना कहरकै बीच नेपालमै स्मार्ट मोबाइल फोनकै आयातमै वृद्धि भएलै छ। भन्सार विभागकै तथ्याङ्क अनुसार वितल साउन छ कार्तिक धेर 14,15,75,00,000 रुपियाँ बराबरकै 21,90,825 मोबाइल फोन सेट आयात भएलै छ। आयातकर्ता भन्सार बिन्दुमै 2,24,06,00,000 कर तिर्ने तथ्याङ्कै छ। वितल 4 महिनामै करिब 17,00,00,000 रुपियाँकै फोन नेपाली बजारमै आएलै छ। वितल वर्ष व्याह अवधिमै 20,112 फोन सेट नेपाल आएलै छ। ओहिक लेल 8,62,00,00,000 रुपियाँ विदेशमै गेल आ 1,36,00,00,000 कर सङ्कलन भेलै छ। चालु आर्थिक वर्षकै 4 महिनामै वितल वर्षकै व्याह अवधिकै तुलनामै सङ्ख्याकै हिसाबसँ 9.54% छ बेसी फोन आयल देखौला बाधो आयात मूल्य अवश्य उठल राजस्व दुनै हिसाबसँ 64% से बढलै छ। भन्सार विभागकै तथ्याङ्क अनुसार वितल आर्थिक वर्षमै वैधानिक च्यानलसँग कुल 18,17,00,000 रुपियाँ मूल बराबरकी 43,65,990 सेट आएलै छ। एहि वर्ष पहिलो चौमासिकमै करिब 22,00,000 सेट नेपाल आइ चुकलै छ। मैथिली समाचारमै आप अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत फरियाब में अफगान सेना के नई हवाई कार्यवाही में कमती में 8 गोटे तालिबानी मारल गए। आतंकवादी तालिबानी सब नुकाक रहल सूचना के आधार में कैल गई कार्यवाही में आरो 4 गोटे घायल भेल अफगान रक्षा मंत्रालय जानकारी देने। फरियाब प्रांत के सरायामी क्षेत्र में तालिबानी सब नुकाक रहल सूचना के आधार में कैल गई कार्यवाही में वो सब मारल गए बताल जा रही है। वही क्षेत्र के किस समय इम्हर आतंकारी क्रियाकलाप के देखल गया छह। पिछला समय अफगानिस्तान के सरकार और तालिबान बीच कतार में वार्ता शुरू भेल कहल गया बादो हिंसा एखन धरि नहीं रुकल है। तालिबानी सब वार्ता के क्रम में युद्ध विराम केने सेहो ओ सब हिंसात्मक आक्रमण कर के नहीं रोकने है। महासारकंतमी प्रमुख समाचार सब फेर से फेर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देवा बीच भेंटवार्ता। भेंटवार्ता के क्रम में संवैधानिक परिषद के रिक्त पद संबंध में भेल केंद्र कोरोना जोखिम के कारण वर्ष के विवाह पंच में प्रभावित सीमित भक्तजन की उपस्थिति में मात्र मनाल जा। कोरोना महामारी के बाद सुदूर पश्चिम में मानवाधिकार उल्लंघन की घटना में वृद्धि। न्यूनीकरण के लिए नियम सभा प्रभावकारी कार्यान्वयन कर पड़वाक में अधिकार कर्मी सभा को जोर। अफगानिस्तान के फरियाब प्रांत में 8 गोट तालिबानी लड़ाकू के मृत्यु। सरकार और तालिबान बीच कतार में वार्ता भेला बादो हिंसा नहीं रुकल। वेस्ट हैम द्वारा लीड्स यूनाइटेड 2-1 सौ हारल। 12 खेल सब 20 अंक छोड़ने वेस्ट हैम 5वें स्थान में। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमारे वेबसाइट जनता समाचार .com में सेहो पढ़ देखा सुन सके। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमारे सुख प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचवाक लेल नियमित रूप में हाथ धो। भीड़भाड़ से घर में सुरक्षित रहो। परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।